पूर्व विधायक समरीन सिंह के निधन के बाद मिली सूचना पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रांची से चलकर बोकारो पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने सेक्टर 4 स्थित समरीन सिंह के आवास में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम किया। इस दौरान उन्होंने परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें इस दुख की घड़ी में हिम्मत के साथ काम लेने की बात कही। बाबूलाल मरांडी के साथ बोकारो विधायक विरंची नारायण, बैरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो सहित कई भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि समरेश सिंह के जैसा हिम्मतहीन नेता और आंदोलनकारी नेता ना हुआ है और ना होगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष का दूसरा नाम समरेश सिंह था। उन्होंने समझौते की राजनीति कभी नहीं की और उन्होंने कभी समझौता सम्मान के साथ नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने जीवन के अंतिम समय में भी संघर्ष करने का काम किया। जिस प्रकार उनकी आवाज बंद हो गई है और बोल नहीं पाते थे, ऐसे में समझ सकते हैं कि बोलने वाला व्यक्ति किस प्रकार संघर्ष कर रहा होगा। उन्होंने कहा कि समरेश सिंह में जो हिम्मत और जुनून था वह झारखंड में किसी भी नेता में नहीं हो सकता, क्योंकि नेता भाषणों में तो बड़ी बड़ी बात करते हैं लेकिन हिम्मत की बात सिर्फ समरेश सिंह में ही थी। उन्होंने गिरिडीह जिले के 2 कार्यक्रमों का भी जिक्र किया था, जिसमें उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में समरेश सिंह ने दहाड़ लगाकर लोगों को संबोधित करने का काम किया था और दूसरा चुनाव के वक्त जब बीजेपी का झंडा लोगों ने अखाड़ा तो समरेश सिंह टूटी फूटी रास्तों से पहुंचकर झंडे को काटने का काम किया। तो मैं कह सकता हूं कि समरेश सिंह के अतिरिक्त शायद कोई दूसरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। भाषण लोग जरूर देते हैं लेकिन ये जो प्रत्यक्ष अपने आप को जो हिम्मत दिखाना, भाषण दिया और कह दिया, घोषणा कर दिया, तो फिर ऐसा नहीं है कि चलो पुलिस से बात करके रास्ते में हमें गिरफ्तार कर ले। ऐसे भी बहुत लोग सेटिंग कटिंग कर लेते हैं, राजनीति में सब होते रहता है। भैया हमने देखा कि नहीं साहब, मैंने दो दो वाक्य आपको बताया, वो तो एक रैली था जिसकी मैंने बताया पहले हरलाडी में हुआ था और दूसरा जो चुनाव के समय का आपने वाक्य पूछा था, तो वो एक वाक्य हमें याद है। और हम लोग भी उस टूटी फूटी सड़कों में किसी प्रकार से पहुँचे हम लोग के गाँव और झंडा जिसको बोलते हैं गाड़ कर दिया। बाकी सब देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि उन लोगों के साथ तो उनके साथ काम करने का संगठन में भी समय मिला है और सरकार में भी साथ में काम करने का, तो मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जो क्रांतिकारी और हिम्मत वाले जिसको बोलते हैं नेता बिरले ही होते हैं। ये व्यक्तित्व के वो धनी रहे हैं। कभी भी अपने उसूलों के साथ वो समझौता नहीं किया, संघर्ष करते रहे। और मैं कह सकता हूँ कि झारखंड में एक संघर्षशील जो लीडर थे वो आज हम लोगों के बीच से वो चले गए। वो अपने आप में वो संघर्ष कर रहे थे क्योंकि उनके चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था, आवाज़ भी जिसको बोलते हैं कि वो भी अवरुद्ध सा हो गया था। तो आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति इनकलाब करता हो और उनकी आवाज़ अवरुद्ध हो जाए और उसमें जीना तो कितना कठिन होगा। यानी समाज के लिए संघर्ष किया और अंतिम क्षणों में कह सकते हैं, वर्षों में, अपने आप से भी काफ़ी संघर्ष।